ये लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसमें 10,000 से ज्यादा थ्रेड्स का यूज करके इसके अपर को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एशियन के न्यूली लॉन्च शूज एयर व्यू 01 की। ये एक ऐसा जूता है जो इंडिया में पहली बार डेवलप हुआ है। ये देखिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो जेब्रा लुक में बन के आ रहा है, इसमें 10,000 से ज्यादा थ्रेडिंग का यूज किया गया है और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार एशियन के द्वारा यूज किया जा रहा है। और इसका आप लुक देखिए, लुक वाइज ये बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट अपर से है सोल इसका, इस टाइप के सोल पे जूते कई आ चुके हैं एयर ट्यूब सोल पे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी एयर व्यू टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है वो इंडिया में पहली बार हुआ है। तो आज इसका रिव्यू 1x1 करने से पहले इसका हम लोग रियल टेस्टिंग कर लेंगे। रियल टेस्टिंग करने के बाद इसकी आज हम लोग रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जूते को पहन के इसका रियल टेस्ट कर लेते हैं। ये लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 10,000 थ्रेड्स का यूज करके इसके अपर को डेवलप किया गया है। तो सोल एयर ट्यूब वाला सोल दिया गया है जिसमें, तो इसका रियल टेस्टिंग अब हम लोग ने कर लिया है। और रियल टेस्टिंग का अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो हम लोग के दूसरे चैनल चेयर शॉपिंग शॉर्ट्स पे आप उसका फुल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके डिटेलिंग में बात करते हैं। सबसे पहले इसके सोल की बात करते हैं। एयर ट्यूब सोल पे ये जूता बनाया गया है, जिसमें क्या होता है, एक फाइबर, यहाँ पे पूरा फाइबर का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ईवा को अंदर डाल के पेस्ट कर दिया जाता है और ये इनका सोल तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। ग्रिपिंग में थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट, और अगर बहुत ही मतलब चिकनी जमीन नहीं आपको तो इसका पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये देखिए यहाँ पे सनमाइका लगा है और टाइल्स में मैंने चेक भी किया है तो ऐसा कोई खास दिक्कत ग्रिपिंग में नहीं आ रहा है। जनरली जमीन वगैरह पे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका सेकेंड पार्ट, इसका मेमोरी फोम, इसमें मेमोरी फोम थेरेपी का यूज किया गया है, जो कि ओवरऑल एक अच्छा इंसोल कहा जा सकता है। तो इसके अपर की बात किया जाए तो एशियन ने पहली बार इंडिया में एयर व्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें 10,000 से ज्यादा थ्रेड्स का यूज करके इसके अपर को बनाया जाता है, जिसके वजह से ये मोर स्टाइलिश, मोर कंफर्टेबल और मोर ब्रीदेबल हो जाता है। स्टाइलिश आप देखिए इस जूते का लुक, वहां से स्टाइलिश हो जा रहा है। मोर ब्रीदेबल इसके वजह से, क्योंकि इसमें एयर फ्लो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, तो ये जूता उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। जो जिम वगैरह में घंटों पसीना बहाते हैं, पसीना बहाएंगे और एयर फ्लो अच्छा होगा तो वो पसीना बहुत अच्छे से जल्दी से सूख जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हैं तो इस जूते को ट्राई कर सकते हैं। इसके ब्रांडिंग की बात किया जाए तो ब्रांडिंग बहुत अच्छे से यूज किया गया है। आप देखिए एशियन का यहाँ यूज किया गया है, यहाँ पर लोगो यूज किया गया है। ऐसा नहीं किया इन्होंने कि बड़े बड़े अपने थब्बे लगा दिए हैं, जो कि जूते को थोड़ा गंदा कर देते हैं। इसके टंग में फोम का यूज किया गया है, नॉर्मल फोम का यूज किया गया है। इसके बैक साइड में भी नॉर्मल फोम का यूज किया गया है। ये लेसेस का स्टाइल जो पुराना है इनका, वही उसी कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। ब्लू कलर का है, व्हाइट डॉटेड डॉटेड में इसको बनाया गया है। इसके बैक साइड में स्ट्रिप को दिया गया है, इसको यूज करके आप जूते को अच्छे से पहन सकते हैं। चलिए अब इस जूते का वेट करके देखते हैं इसका वेट कितना है। वेट 350 ग्राम का है, जो कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि इस सोल लगने की वजह से वेट थोड़ा सा गेन कर लेगा, लेकिन जब मैं रियल टेस्टिंग इसका कर रहा था तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं 350 ग्राम का जूता पहना भी हूँ। तो ओवरऑल जैसे मैंने इसका रियल टेस्टिंग किया था और अभी रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ, जिसमें प्लस पॉइंट इसका एयर व्यू अपर का है, जो कि इसके स्टाइलिश बना दे रहा है और ब्रीदेबल होना समर में बहुत ही प्लस पॉइंट है। वेट थोड़ा सा गेन कर रहा है, लेकिन एयर ट्यूब के जितने भी जूते होते हैं, एयर ट्यूब वाले सोल के जितने भी जूते होते हैं, उसमें वेट इतना होता ही होता है। तो 2800 में ये जूता आपको मिल रहा है, डिस्काउंट के बाद 1700 से 1800 में ये जूता आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।